हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज का टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के आपको द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। आपके पास दो क्वेश्चन, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट है। हम पहले को फर्स्ट पार्ट के सॉल्व करेंगे। x²-k3x-k10=2 जीरो है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना होता है, हमें इस थ्री को है, इस थ्री को ब्रेक करके लिखना होता है। क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, -10 के आप अगर फैक्टर करके देख लो तो आएंगे 2, 5 जा 10, 5 बन जा। अब आपको 5-2 लिखना है इस थ्री के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस के इस थ्री के लिए 5-2x-10=0। एक्स स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5x -(+2x-10=0। एक्स यहाँ से आपने कॉमन लिया तो x-k5+ यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन आएगा, बताओ 2 कॉमन आएगा यहाँ से, तो x-k5 हो गया (=0)। आप देख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट, दोनों फैक्टर है अंदर वाले, दोनों ब्रैकेट अगर सेम आएगा इससे पहचान होती है कि क्वेश्चन आपने ठीक किया। हमारे ब्रैकेट दोनों सेम है यानी कि ठीक है। एक ब्रैकेट तुम्हारा x माइनस 5 यही लेते हैं, एक बाहर वाला ब्रैकेट देते हैं x+2 = 0। अब दो आपके आपका दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को = 0 के रख दो। x-5=0 और x+2=0। यहां से आपको x की वैल्यू 5 ऑप्टेन हो रही है और x की वैल्यू यहां से -2 मिल रही है आपको, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट देखो किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है ये फैक्टराइजेशन मेथड। 2x²+x-6=0। अब यहाँ पे देखेंगे इस 2 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 6 से, यानी कि 2 6 12, 6 के फैक्टर करके आपको माइनस करके जो साइन यहाँ पे होगा उसका माइनस का साइन लेके 1x लेके आना है। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 बन जा, 2 2 जा 4, 4 में से आपको माइनस करेंगे 3 तो 1 बचेगा, यानी कि 2x²+4-1x-6=0। आप देख रहे हैं 2x²+4-1, इस 1 को हमने सॉरी 4-3 करना था, 4-3 x-6=0। x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x²+4x -3x-6=0। आप इन दोनों से और इन दो से आपको कॉमन लेना है। यहां से बताओ क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन मिलेगा आपको, यहां से 2x कॉमन मिलेगा तो अंदर x बचेगा +2 बचेगा। यहां से बताओ क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन क्या आएगा, -3 कॉमन मिलेगा। माइनस का अगर साइन बाहर अलग लिए तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि x+2 3 2 6 होता है = 0। देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट हमारे यहाँ भी सेम हो गए, यानी कि क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो पता करता रहा। तो 2x-k3 एंड x+2=0। 2x-3=0 करेंगे और x+2=0 करेंगे, तो यहाँ से 2x-3=0। 2x अब -3 को इक्वल टू साइन है, साइन चेंज हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू आ गई 3/2, x की वैल्यू 3/2 आ गई, यहां से आपको x की वैल्यू -2 आ गई। आप देख रहे हैं कितना फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कितने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकला है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का रूट निकल के आया 5 -2, सेकेंड पार्ट का निकल के आया x का रूट 3/2 -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये कितना आसान तरीका है, इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको क्वेश्चन को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। जब तक के लिए धन्यवाद।